दुआ के आदाब में सी हैं कि आदमी दुआ जब करे कुछ मांग रहा हो अल्लाह से तो उस वक्त में दोनों हाथ उठाए। लेकिन इसमें कायदा ये है कि जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना और हाथ ना उठाना इसकी सराहत है, वहाँ तो किसी भी हाल में आदमी को हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपने दुआ मांगी लेकिन हाथ नहीं उठाए। और ये आम औकात के लिए कि जब आदमी कुछ मांग रहा है उसका दिल बोला चलो अल्लाह से कुछ मांगेंगे अपने लिए, तो उस वक्त में आदमी जो मुतलक दुआ होती है तो उस दुआ में हाथ उठाए ये अफजल है, और बगैर हाथ उठाए मांगे तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहां आपसे साबित हो कि आपने हाथ उठा के दुआ की वहां तो करना ही चाहिए, जहां साबित है कि हाथ नहीं उठाया वहां नहीं उठाना चाहिए। और उसके अलावा जो दुआएं आई हैं उसमें भी एहतियात ये है कि जहां आपकी दुआ का जिक्र हो लेकिन हाथ उठाने का जिक्र ना हो हाथ नहीं उठाए। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना आया हो हदीस में हाथ उठाने का जिक्र ना हो तो आदमी उस वक्त में हाथ उठाए नहीं, इसलिए कि इसके लिए जरूरी है कि सबूत हो। हाँ, एक आदमी अपने तौर पर कुछ भी दुआ किसी वक्त में करना चाहता हो, कोई बैठा हुआ है और दिल चाहता है कि मैं अपने लिए औलाद के लिए मांगू, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए मांगू, तो उस वक्त में हाथ उठाए कि ना उठाए तो ये मुतलक दुआ है कि तुझको मांगना है कुछ, अब उठा हाथ। इसमें अफजल ये है कि आदमी हाथ उठाए, तो ये भी याद रखना चाहिए। वरना आदमी सूरतुल फातिहा में भी क्या है, दुआ नहीं है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह देखो, अगर खुले उसको छोड़ दिया जाए तो फिर वह हाथ बांधा हुआ है लेकिन फिर हाथ उठा के दुआ कर रहा है, क्योंकि हदीस में आया कि हाथ उठाने पर अल्लाह दुआ कबूल करता है, नहीं, वहां पर हाथ बांधने का जिक्र है, हाथ उठाने का नहीं। या आदमी किसी पर सलाम कर रहा है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, न इसमें इनकार मरवी है न इसमें इकरार मरवी है, तो आप क्या करें, दुआ नहीं है, वो सलामती की दुआ है वो, तो क्या करेगा, मतलब दुआ में हाथ उठाएगा सलाह से नहीं। या तहियात में आदमी दुआएं कर रहा है उसमें हाथ उठा रहा है, नहीं, उसमें तरीका अलग है जैसा कि हदीस में आएगा। तो ये कायदा याद रखें कि जहां पर यानी मरवी हो हाथ उठाना वहीं उठाना चाहिए जो दुआएं सुन्नत से साबित हैं। उसके अलावा कोई आदमी अपने तौर पर दुआ करना चाहता है वो अपने हाथ उठा के दुआ करें, तो ये मुतलक दुआ के लिए, ना कि किसी खास दुआ के लिए।